इवनिंग दोस्तों। तो मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है। एक वीडियो का शूट किया था इसलिए मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली है। और अभी जस्ट अभी थोड़े समय पहले अनिल लेके आए हैं सब्जी, क्योंकि घर में वैसे सब्जियां तो बहुत थी बट आलू और प्याज खत्म हो गए थे, क्योंकि आलू के पराठे भी बन चुके थे। और इतने टाइम से ना मैं रेगुलर ब्लॉग्स आप लोगों के साथ मतलब बना नहीं रही हूँ। मेरे पास जो ब्लॉग है वही मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत डाउन थी। उसके बाद से मैंने 4 दिन का एक साथ ब्लॉग दिया था, उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। शायद थोड़ी थोड़ी क्लिप होंगी तो मैंने बनाई होंगी, क्योंकि अच्छा फील नहीं होता तो कुछ भी करने का दिल नहीं करता है। और घर का सारा काम बिखरा हुआ पड़ा है और आज थोड़ा अच्छा फील हो रहा है ये लिपस्टिक लगा के, और मतलब थोड़ा सा लाइनर लगा के। होता है ना कभी खुद को देखते हो शीशे में, या तो जैसे कि अभी मैं कैमरे में देख रही हूँ तो अच्छा लगता है, थोड़ा सेट सेट डले रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए मैंने अंदर। तो अभी अनिल लेके आए हैं पानी पूरी। मेरा दिल कर रहा था, मन कर रहा था, बहुत टाइम हो गया। नॉर्मल जहाँ हम पीते थे ना, हमारे साइड की जो आटे की मिलती है वो वाली नहीं लेके आए, क्योंकि वो नॉर्मल रेडी है तो वहाँ पे ग्लव्स वगैरह नहीं वो लोग पहनते। तो अनिल ने साफ साफ मना कर दिया कि वहाँ से मैं बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा। तो अभी ये लेके आए हैं एक रेस्टोरेंट से पानीपुरी, जो आती है ना सूजी वाली बड़ी वाली, बहुत बड़ी पानीपुरी देते हैं ये लोग। मुँह में भी नहीं आती इतनी बड़ी पानीपुरी, तो ये खाऊंगी। और आजकल मैं सैलेड बहुत खा रही हूँ, तो ये है खीरा और कड़वे भी निकलते हैं कुछ, पर मैं खा लेती हूँ मसाला डाल के। और चीकू भी मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, तो आजकल अनिल अच्छे भी लेके आ रहे हैं। वैसे फ्रूट्स वगैरह कभी भी अच्छे नहीं लेके आते, सब्जी भी लेके आएंगे ना तो बहुत सारी चीजें सड़ी हुई निकलती हैं, पता नहीं। बट मैं जा नहीं सकती तो मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे ये सुनने के लिए मिलेगा कि तुम जा सकती हो इस वजह से, और सर्दी में मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता। ये लेके आए हैं गाजर। गाजर अभी पहले कोल्ड की गाजर थी तो तुरंत खराब हो जाती थी और खाने का भी मन नहीं करता था। तो अभी नेचुरल अभी ताजी ताजी गाजर आ रही है मंडी में। सब्जी बहुत ज्यादा महंगी है यहाँ पे, मुझे नहीं पता, हमारे साइड तो बहुत सस्ती मिलती है सब्जी सर्दियों में, बट इधर बहुत महंगी मिलती है। कोई नहीं, इनको मैं वॉश करके डाल दूंगी। थोड़े से बर्तन डले हैं, उनको साफ करूंगी बाद में, क्योंकि जैसे ही ताजा पानी आता है तभी मैं बर्तन साफ करती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हो रखी है तो मैं बहुत ज्यादा केयर कर रही हूँ अपनी, बहुत ज्यादा। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों का थोड़ा समय लूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो मैंने मंगाया हुआ है अपने हेयर के लिए हेयर मिस्ट, तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ऐसी पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ है, ये है माई फैब का। इसमें काले ऑयल है, आर्गन ऑयल है एंड विटामिन ई है, जो कि आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। पैराबिन फ्री है, बैगन है इसमें, तो वो भी आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको हमें यूज कैसे करना है और क्यों करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जब आपके हेयर एकदम फ्रिजी हो जाते हैं, एकदम डैमेज हो जाते हैं, डैमेज क्यों हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता है आजकल हेयर कलर बहुत चल गए हैं, केराटिन हो गया है, चाहे कितने भी अच्छे ब्रांड का आप करवा लो, बट कुछ समय बाद आपके हेयर डैमेज होना स्टार्ट तो हो जाते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले 2-3 साल पहले अपने हेयर पर रिबॉन्डिंग करवाई थी, उसके बाद मतलब अच्छे थे मेरे हेयर, बट उसके बाद थोड़े से डैमेज, कभी 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 तो इतने ड्राई और डैमेज लगते हैं मुझे बहुत ज्यादा। तो मैंने मंगवाया हुआ है हेयर मिस्ट, जो कि हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मेड इन इंडिया है और हमारे हेयर को एकदम नेचुरल सिल्की साइनी बना देगा। तो ऐसी स्प्रे बोतल में हमें ये मिलता है, इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है, ऐसे उल्टा करने पर भी नहीं गिरने वाला है, इसको बहुत ज्यादा पंप करेंगे उसके बाद निकलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग है यार। ऐसे 6 सेंटीमीटर की दूरी से आपको इसको अपने हेयर पे लगाना है। और हाँ, आप टॉवल ड्राई हेयर पे भी लगा सकते हो, और आपके हेयर एकदम ड्राई हो चुके हैं फिर भी आप इसको यूज कर सकते हो। अपनी जड़ों में नहीं लगाना है, अपने बालों पे लगाना है ऐसे आपको, और ऐसे करके मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको अपने हेयर ऐसे ऐसे कर लेने हैं और आपके हेयर एकदम बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी मैंने मतलब हेयर वॉश नहीं किया, जब मैं हेयर वॉश करूंगी उसके बाद मैं इसको यूज करती हूँ। अगर आपको फिर भी कभी यूज करना है तो आप ड्राई हेयर पे भी कर सकते हो, बहुत अच्छे आपके हेयर हो जाते हैं। तो इसकी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये मैंने मेरा लिंक से मंगाया हुआ है। और अगर आप फर्स्ट परचेज करते हो, पहली बार परचेज कर रहे हो कोई ब्यूटी और हेयर से रिलेटेड, तो आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जाइए और इसकी तरफ जा सकते हो और इसको परचेज कर सकते हो। सर्दियों वाले कपड़े कुछ तो मैंने वॉश करके डाल दिए थे, 15 दिन के कपड़े हो गए थे, 15 दिन के। मैं सोचो कि 15 दिन से तबीयत खराब थी, तो 15 दिन से मैंने 1-2 ब्लॉग ही बनाए होंगे, मतलब मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाए, क्योंकि मेरी जो वीडियो थी ना, पुरानी ज्वेलरी हॉल हो गया और सरोजिनी नगर तिब्बत मार्केट हॉल हो गया, वही वीडियो मैंने बना के रख ली थी पहले, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। क्योंकि उस टाइम पे, इस टाइम पे वीडियो तो नहीं बना सकते ना, तबीयत खराब थी तो वैसे वीडियो नहीं बना सकते इस वजह से, बट आप लोगों के यहाँ रेगुलर वीडियो जा रही थी।
कभी कभी कोई कोई लोग नहीं समझते, उनको ये लगता है कि बीमार है फिर भी देखो वीडियो डाल रही है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि वीडियो मेरी पहले शूट हो जाती है, कभी कभी मैं उनको डाल देती हूँ, और ब्लॉग भी मेरे रेगुलर ऐसे नहीं जाते हैं जैसे कि आज मैंने बनाया और कल मैं डाल दूँ, ऐसे नहीं जाते हैं क्योंकि इतना टाइम हम हाउसवाइफ के पास नहीं होता है। तो अभी सर्दियों वाले बहुत सारे कपड़े हैं जो मशीन में भरे पड़े हैं क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं हुई 15 दिन से। जब धूप नहीं होगी तो कपड़े वॉश करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिर वो स्मेल आएगी उनमें से। तो चलो अभी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हो रहा है, पानी पूरी खानी है, बहुत टाइम हो गया, मतलब 20-22 दिन हो गए पानी पूरी नहीं खाई, और तबीयत में सुधार है और सब अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। तो मेरे ब्लॉग वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे आपसे बातें करना काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो बस पानी ताज़ा आ जाएगा तो मैं बर्तन भी साफ़ कर दूंगी, इनको भी वॉश करके डाल दूंगी। तो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ और मैं और अनिल दोनों खा लेते हैं क्योंकि लक्ष्य तो सो गया है, वैसे भी ये पानी पूरी खाता नहीं है, उसका मन होता है तब एक दो खा लेता है बट वो खाता नहीं है। तो चलो बहुत समय ले लिया आप लोगों का। तो मैंने यहाँ पे गाजर और खीरा और चीकू वॉश करके रख दिए हैं क्योंकि मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, ठंडे ठंडे नहीं खाए जाते सर्दियों में, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और मैंने बर्तन भी साफ कर दिए हैं और अभी बनाने जाऊँगी मैं डिनर, लेकिन अभी नहीं, अभी मैंने पानी पूरी खाई है तो मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ, तो पहले मैं कर लेती हूँ आराम। तो अभी समय हो रहा है रात का 11:30 समथिंग और मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली है क्योंकि मुझे कल हेयर वॉश करना है। तो सुबह मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ तबीयत की वजह से, तो इस वजह से मैं सुबह ऑयलिंग नहीं कर पाऊंगी, तो मैं डायरेक्ट झाड़ू पोछा करने के बाद नहा लूंगी ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो बस अभी मेरे बर्तन भी साफ हो चुके थे, थोड़े से बर्तन बाकी है, तो बस अभी मैं स्कार्फ लगा लूंगी क्योंकि जिससे पिलो खराब ना हो जाए। ठीक है, अनिल और लक्ष्य देख रहे हैं टीवी, मैं भी देख रही थी और साथ में मैंने अपना बहुत सारा काम किया, जैसे कि कपड़ों को तय लगाना हो गया, हेयर ऑयलिंग हो गया, वो मैं साथ ही साथ कर लिया, नाइट स्किन केयर भी मैंने कर ली है, और सब्जी बाकी है, आलू गोभी की सब्जी बनी थी तो उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। और चलो तो अब मैं बोलती हूँ आपसे गुड नाइट, मिलती हूँ कल। एवरीवन गुड आफ्टरनून, समय हो रहा है 1:45, लक्ष्य के अभी क्लासेस खत्म हुए हैं ऑनलाइन और मैंने, आपने देखा होगा कल रात में हेयर ऑयलिंग करी थी तो मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं और अभी ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी, सर्दियों में थोड़ा टाइम तो लेते हैं। और पता नहीं क्यों आज ज़्यादा सोली, क्या फेस सूजा सूजा सा लग रहा है, कोई बात नहीं। तो बस मैंने सिंदूर लगा लिया है, सबसे पहले मैं सिंदूर लगाती हूँ जैसे ही हेयर वॉश करती हूँ क्योंकि सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिस दिन आप हेयर वॉश करते हो उस दिन तो आपको लगाना ही चाहिए। थोड़ी सी गले में खराश है, अनिल कर रहे हैं अपनी ऑफिस का काम, और जैसे ही मैं नहाने गई थी और मेरा आज पार्सल आना था, तो आपको पता है कि मेरी दीदी की बेटी की शादी है तो मैंने कुछ ऑनलाइन साड़ियाँ मंगाई हुई हैं, तो बस अभी उनको ओपन करूंगी और अगर आप लोग बोलोगे तो ही मैं आगे किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि मैंने साड़ियाँ मंगाई हुई हैं। मैंने अभी इसलिए मंगा ली हैं जिससे अभी थोड़ा सा टाइम है, तैयार मैं कर सकती हूँ साड़ियों को, इसलिए तो मैंने थोड़ी सी यूनिक सी साड़ी मंगाई है, सिंपल वाली नहीं मंगाई है। तो बस पार्सल मेरे बेड पर रखा हुआ है तो पहले मैं उसको ओपन कर लेती हूँ और अनिल को बुलाती हूँ क्योंकि ओपनिंग वीडियो मस्ट होता है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको बनाना ही पड़ता है वरना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अगर ऐसे कोई, अगर आपने जो प्रोडक्ट मंगाया वो नहीं आया तो फिर रिटर्न में प्रॉब्लम आती है, इसलिए प्रोडक्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो उसकी वीडियो आपको ज़रूर बनानी चाहिए। तो चलो बस अब लक्ष्य नहाएगा, उसका पानी गर्म हो चुका है और आज मैंने ये वाली इनर पहनी हुई है, नहा के कितना सुकून फील होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो चलो हेयर मेरे एकदम ड्राई हो जाने दो, मैं पार्सल की ओपनिंग कर लेती हूँ, आपको दिखा तो दे ही देती हूँ मैं, और उसके बाद बनाऊँगी मैं रोटी। सब्जी मेरी बन चुकी है तो देख सकती हो, ये इसमें 2 साड़ियाँ आई हुई हैं और भी साड़ियाँ ऑर्डर करी हैं वो आएंगी बाद में, तो मैं आप लोगों के साथ, अगर आप लोग बोलोगे तो शेयर कर दूँगी, वरना मैं शादी में पहनूँ तो आप लोग देख लेना कि मैंने कौन सी साड़ी मंगवाई हुई है। ठीक है, तो चलो लक्ष्य नहा लो, देखो लक्ष्य की हालत दिखाती हूँ आपको। अरे वैसे कपड़े पहन के ही आ जाओ। तो लक्ष्य के बाल भी नहीं आए और शादी आने वाली है और कैप लगाते हैं ना तो बाल आते ही नहीं है। अनिल बोल रहे थे जब आप टोपा या कुछ टोपी वगैरह लगाते हैं सर्दियों में तो हेयर ग्रोथ कम होती है, ऐसा मुझे नहीं पता बट अनिल बोल रहे थे। तो अनिल से मैंने बोला था कि अब शादी से पहले ही करवाना, कुछ ही टाइम बचा है शादी में, तो मैंने कि दोनों की कटिंग शादी से पहले ही करवा लेना, इतने बड़े नहीं है, साइड से बस सेटिंग करवानी है। यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ये ऐसे बालों में, ना अनिल अच्छे लगेंगे ना शादी में, कोई बात नहीं है, चलो शादी तो हो के रहेगी इनके बाल बड़े या ना बड़े। चलो बस मुझे टैबलेट लेनी है सुबह की, आज टैबलेट ब्रेकफास्ट के बाद वाली मैं भूल गई
और तो मैं अभी ले लेती हूँ, वरना अनिल सुन लेंगे तो बहुत डांट लगाएंगे। चलो तो पहले मैं टैबलेट लेती हूँ, पार्सल ओपन करती हूँ, उसके बाद लक्ष्य अपने हाथ से नहाएगा, फिर मैं बनाने जाऊँगी रोटी। तो फाइनली मैंने साड़ियों की ओपनिंग कर ली है। इतनी प्यारी, इतना अच्छा फैब्रिक, इतनी अच्छी साड़ी रिसीव हुई है। ओह माय गॉड, मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था अगर अच्छी नहीं रिसीव होंगी तो मैं रिटर्न कर दूंगी, बट बहुत ही अच्छी रिसीव हुई है। रिटर्न करने की तो मैं सोच भी नहीं सकती। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। और ब्लाउज पीस का फैब्रिक तो अमेजिंग है, बहुत ही यूनिक साड़ियाँ हैं, बहुत ही यूनिक साड़ियाँ हैं। एक साड़ी तो शायद आपने देख ली होगी, बहुत सारे लोगों पे है। एक साड़ी जो मैंने मंगाई हुई है वो किसी के पास नहीं है, अभी मैंने नहीं देखी, पर्सनली होगी तो मुझे नहीं पता। बहुत ही अमेजिंग साड़ी है। अब मैं टाइम नहीं मिल पा रहा, अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं कब तैयार करूँ, क्योंकि जो पुरानी साड़ियाँ हैं वो भी मेरी तैयार नहीं हो पाई हैं अभी तक। तो बस अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी से कि एक तो बहुत सारा काम हो जाता है, घर का झाड़ू पोछा खाना ये सब बहुत हो जाता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी कोविड भी चल रहा है तो घर जाऊँगी, फिर घर से लौट के शादी में से उसके बाद मैं हेल्पर जरूर लगाऊंगी, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि तबीयत, ऊपर से घर का काम, ऊपर से जो मेरे एक्स्ट्रा काम है, वीडियो हो गई, फिर वीडियो की एडिटिंग हो गई, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इस वजह से। तो चलो बस अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। मुझे लगा कि चलो आप लोगों को बता दूँ मैं, लेकिन इस ब्लॉग में शेयर नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं शॉपिंग शॉपिंग बहुत हो गया, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ। बट बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग दिखाती हूँ, इस वजह से मैं पसंद, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो ज़रूर दिखाऊंगी, इतनी अमेजिंग साड़ी है, डेफिनेटली आपको पसंद ज़रूर आएंगी।